एक लड़की जिसका नया नया ब्याह हुआ और दो भी ब्याह न हुए थे, वह घर आएगी और उसका बाप था के नु कहना कि बाबू बात सुन दे, मैं नहीं जाऊंगी उस घर में ही भी नु बुलाई बेटी दो भी ब्याह न हुए ऐसा के जुलम हो गया, यह बात कुकर कह दी तने नोली बाबू बस बता दी है मैंने, मैं नहीं जाऊंगी कति भी उस घर में। नुबलाई बेटी न्यू को काम चल जो बहू बेटी बाण बेटी आ रहा तो ठिकाने सर सुतरी ला गया, अगर तेने जाना पड़ेगा बेटी वो ऐसे तेरा घर ते ही। नवली बाबू चाहे कितना धक्का कर ले एक तर लाख लग मैं तो उस घर में जा को जा। नुबलाई बेटी बात तो बता की हुई क्यों नहीं जावे। नवली मेरी सासू वह दंदली मैंने टिकट को दिन दी मिला सारी अन मेरी गेलिया रोला रखे से बात बात पर गाल पक्के मने और टिकट नहीं देती। देखे बाबू मैं तो उस घर में जब जाएंगी जब मेरी सासू मर लेगी। नवली ये कटन चुकी है बातन कौन सिखावे। नवली बस बता दी मैंने नहीं मेरा पापा मेरी सासू नु मार दे बिक जाएंगी ना कौन जानती। आए बेटी की चाव है बोला पापा मैं तो नू चाहूँ जू देखे मेरा ताऊ नहीं से सुखता। बोले से बेटी वो से डॉक्टर उस पर कोई जहर लिया दे छोटा मोटा और मैं उस बुढ़िया का भीतर में गेट दूंगी कटिया गिरा दू इसकी। ये उसका बाबू ने सोचा पढ़ी लिखी समझदार छोरी है नया नया ब्याह होया है जिसके गेल धक्का करूंगा तो या उल्टी पड़ेगी खाम खा इसका घर बिगड़ जाएगा इसने इसे का तरीका तो समझाऊंगा। नो बोला ठीक से बेटी तू नू चाव न कि मैं तने जहर लिया के दे दू सांझ ने रोटी खा कर तेरे ताऊ दूर जाऊंगा किमें किमें जुगाड़ करूंगा। बेबे सुनिए बात ना कर मेरी बहन बात ना कर बहन जी ईव श्याम ने रोटी पानी खा के और सुरते दूर चला गया उल्टा के। नुबला ए बेटी ल देख मैं के लिया तेरा खत बोले बाबू के लिया। नुबला ए बेटी देख दवाई लिया मीठा जहर से। हाँ बाबू यू की सा जहर ए बेटी मेरे दौरे बैठ जा कुर्सी गाल कर एक एक बात ध्यान से सुनिए यू ही सा जहर सही सी दवाई से या छह महीने का मसाला सही। हाँ बाबू छोटी सी पुड़िया दिखे गटन जोगी तेज से या कदे बुढ़िया न जानते सारी खुआ दे मर्चा की और देखे लोग नु कहते सासू मार दी जेल हो जाएगी तो न खाम खाई छह महीने चलानी है रूल समझाने लग गया। बोला बेटी तेरा घर का रोला कति खत्म हो जाएगा इसी दवाई ले जा सरू तो लेके आखिरी तीन सारी बात सुनिया हूं। उसकी सासू मर एक जी के रहा के उस बुढ़िया में था ध्यान दोगे तो सारा भजन समझ में आओगा ना कुछ भी समझ में आवे। मेरे भाइयों बहनों इन भजनों की आज सख्त जरूरत है इन बोलों की जरूरत है ना तो भाई कितने जगराता में जाके देख लो महंगे महंगे कलाकार आवेंगे लाखों रुपये ले जाएंगे सारी रात कुछ नहीं पब्लिक ने बस इस भजन में भी नाच लो इसमें भी नाच लो ठा लो दोनों हाथ फलाना कर लो नू कर लो टाइम पास करके चले जाते हैं। ये चीजें कौन पेश करेगा आज रिश्ते नाते टूट रहे हैं सास बहू की नहीं बनती बाबू बेटे की नहीं बनती भाई भाई की नहीं बनती कहने का मतलब क्या परिवार टूट रहे हैं लोगों इन बातों के ऊपर विचार कौन करेगा हमने तो करना पड़ेगा। ये समाज किसका है ये समाज मारा है तो सर किसी की बाण बेटी मेरे भी आ रही है वह भी तो किसी की बेटी है जो मेरी बहू बन रही है और मेरी जो माँ जाई बाण हुए किसी और घर की बहू बन रही है तो लोगों मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरी बाण ने भी बढ़िया शिक्षा दूँ और जो मेरी धर्म पत्नी है उसको भी बढ़िया शिक्षा दूँ क्योंकि बाण बेटी सबकी एक हो आग्रह लोग इसीलिए कहते हैं जब हमारी बाण बेटी जवान हो जाती है हम उसको किसी के घर की बहू बना देते हैं और जब किसी और की बाण बेटी जवान हो जाए हमारे घर की बहू बना। आइए सुनिए एक एक बोल मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ ताड़ी बजाने की जरूरत नहीं आठाने की जरूरत नहीं जयकारा लाने की जरूरत नहीं बात तो बिल्कुल भी ना करियो एक एक बोल ध्यान तक सुनियो। वो बाप अपनी बेटी को एक बात के द्वारा क्या कहने लगेगा सुनिए। नु बोलिया ले जा मेरी लाडो इसी दवाई ले जाए ले जाए मिट जा थारी लड़ाई हो जागी मन चाई ले जा मेरी लाडो इसी दवाई ले जाए ले जाए जाई
ध्यान से सुन, या तो इसी दवाई है तेरी सासू का अग बोलने की तने जरूरत नहीं पड़े, और इसका परहेज सुन दे ध्यान से। नू नहीं सकते जानते सारी पुड़िया पानी में घोल के पुड़िया देते जानते मर जाएगी और जेल हो जाएगी, नू कह देंगे सासू मार दी। आप पापा और क्या करना है बेटी ध्यान से सुन, तेरी सासू जब रोटी खावे दूध मंगावे भीतर रसोई में जाकर दूध का गिलास मंगड़ी सी चुटकी रोज मिलानी है, छह महीने चलानी है यार मड़ा मड़ा करके जब छह महीने तेरी सासू ने देवेगी ना धीरे धीरे छह महीने पाछा गुड़िया मर जाएगी, किसी का शक भी ना हुआ तेरा रोला भी मिट जाएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, तेरी सासू का जे छो उठ जाने बेटी आगे ना बोलिए बोला पापा वा तो भूडी भूडी गाल दे वे एक गाल चाहे तेरा थप्पड़ मार दो चप्पी आगे ना बोलिए बोला क्या तेरे बोला जे आगे बोलेगी ना उसका गना छो उठ जाएगा और बीपी आई होगा दिमाग की नस पाट जाएगी गुड़िया मर जाएगी तेरा नाम हो जाएगा। हाँ पापा फिर बेटी सबर रखना आगे मत बोलिए, बस ध्यान इस बात का रखना है तने गात समाई रखिए जे तेरी सासू तना गाल भी दे तना हाथ जोड़ के बस न्यू कहना है माँ जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं बस आगे ना बोलिए। नंबर एक पर पिताजी अपनी बेटी को समझाने लगा ध्यान रखना बस बुढ़िया का छो ना ठाइए, बस दवाई देती रही है थोड़ी थोड़ी रोज छह महीने चलानी और आग का जमाना बोलिए जी आग का बोल पड़ी ना छो उठ जाकर तेरी दवाई फैल हो जाएगी। कल कड़ी पर लगा ठाले नंबर दो पर पिताजी समझाना था कि कैसे दान कर लो। सासू रोटी खावे दूध का गिलास मंगावे वा बहु रसोई में जावे मड़ी सी चुटकी मिलावर दूध न तरडावर बुढ़िया न प्यावे। चार महीने बीत गए इन बातों ने, बुढ़िया का मड़ा सा छो उठे और हाथ जोड़ के खड़ी हो जा छोरी माँ जी कोई बात नहीं माँ जी मैं बेटी हूं आपकी चुप करा दे बुढ़िया का छो उठने नहीं दे। इबीन बाता ने चार महीने जब बीत गए ना दोनों सासू बहु का इतना प्रेम हो गया दादी आपस में, क्यों बुढ़िया ने लड़न वाला को पाया ही नहीं, जो बुढ़िया का छो उठे बहु आगे तो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाए माँ जी कोई बात नहीं किए जुलम हो गया। क्योंकि जब किसी आदमी का छो उठ रहा हो ना और जो उसका आगे बोलने लाग जाए सोच लो आग में घी गिड़ दिया, और किसी का छो उठ रहा हो हाथ जोड़ ले उसका कन्नू सोच ले आग में पानी गिर दिया। जब सासू ने कोई लड़निया नहीं पाया तो उसका स्वभाव चेंज हो गया बदलाव आ गया उसका स्वभाव बदल गया, सारा कुंभ में बड़ाई करती फिर सारा काम में बड़ाई करती फिर मारी बहू वर्गी किसी की बहू नहीं बे
खूब त पैर दब है बेचारी, टेम पर रोटी देवस है, दूध के गिलास भर पर प्यावस है, और सुतरी बतलावस है, बीमारी को उबर की किसी की बहू नहीं। कहने का मतलब क्यों है, सासु बहु जमा की खिचड़ी होगी, प्रेम हो गया घना, इब घना प्रेम हो गया। चार महीने इन बातों ने बीत गए, एक दिन छोरी रसोई में काम लाग रही करने पड़िया, जान पुड़िया का नकते चार महीने बीत गए, हरिया तो पुड़िया छह महीने की, दो महीने रह गए बस, दो महीने में मेरी सासु मर जाएगी, हाय नाश हो जाएगा। फटाफट नंबर डायल कर पापा तरह फोन कर, पापा बोला फर हेलो, हाँ बेटी नू क्या तक रहे है, ये काटन जोगी ठीक बोल लू, क्या दौरी है तू, के बात हुई, ये काटन जोगी नू क्यों करे है, बात बता की हुई, पापा मेरी सासु मरण दौरी है, तो दांदरे पड़े लो पंडित जी, धन्यवाद। इवन चार मिनट होगी रोए, उसका बाबू ने बोला पहले तो चुप हो जा बेटी, आंसू पूंज ले, अरे पहले न्यू बता रो क्या था, बात कीजिए, नाश हो गया पापा, ये नाश तो हो गया, क्या था बता तो दे, नवली पापा जो दवाई मेरे ताऊ पर तो लिया था ना, जो मीठा जहर लिया था मेरी सासुन मान खातर, छह महीने का था बोलिया, हाँ छह महीने की दवाई थी बेटी, फिर क्यों हो गया बोलिया, बोला चार महीने हो गए, दो महीने में मेरी सासू मर लेगी, बोला बोले फिर ठीक से तो सब ही न्यूज है, रोला की रान कट तरा कर बस जाएगा, बोले ना पापा जे मेरी सासू मर गई मैं जीऊंगी कुकर, बोलिया क्या कहे, बोलिया मेरा तो बेरा ही को था, मेरी सासू इतनी बढ़िया लोग आई है, सारी दुनिया में मेरी बड़ाई करती फिर है, इस पर की बढ़िया लुगाई मन धरती पर देखी, पापा मेरी सासू नहीं मरनी चाहिए बस, मन नहीं बेरा चक्की में भी कर, न्यू कह कर रोन लगी, उसका बाप ने बोला ए चुप हो बेटी, ध्यान तो सुन मेरी बात में, उद्घाटन जो की रोया नहीं करते, बोले पापा आप हंस रहे हो, अरे मेरी सासू मरण हो रही, बोले हंसने की तो बात तेज, बोले की हो गया, बोले ध्यान तो सुन बेटी, देखे तेरा नया नया ब्याह होया था, पढ़ी लिखी समझदार छोरी है, जे मैं तेरी बात ने टाल देंदा तो तेरा घर उजड़ जाता, इसलिए मन ने सोचा छोरी गई हिसाब तो छोरी समझानी पड़ेगी, जब इसके बात पल्ले पड़ेगी, धरती में कौन ऐसा माड़ा बाप है जो अपनी बेटी का घर उजाड़ेगा, मैं पागल थोड़ी हो जो तेरी सासू ने मारूंगा, ए बेटी ध्यान तो सुन, जो तेरा ताऊ सूरत में लिया था ना, वो कोई मीठा जहर नहीं है, कोई दवाई नहीं है, वो तो बेटी आजमा करने का चूर्ण है, बोले न्यू सुन बेटी ध्यान दे मेरी बात कान, जे मैं तने न्यू कह देंदा नहीं यू चूर्ण से, तू इसने बगा के मारे, मन जान के तेरा पैम दूर करने खातर न्यू कह दिया कि यो मीठा जहर है, और छह बिन्या का नाम न्यू ले दिया, ताकि छह बिन्या में तारा आपस में प्यार हो जा, और परहेज ऐसा दे दिया कि जब तेरी सासू का छो उठे ना आगे ना बोलिए, क्योंकि मन न्यू बेरा था बूटा दिमाग हो रहा है, इसने कोई लड़निया नहीं पाओगा तो अपने आप पे ने शिली पड़ जाएगी, बेटी मैंने जान के तरह हिसाब परहेज दिया, जब इसने लड़निया ही नहीं पाया तो इसका स्वभाव चेंज हो गया बदल गया, और छह महीने में तो तारा बहुत प्रेम होना था, चेहरे महीने में बात बन गई, छोरिया सुपुर बनोली पापा यू आर ग्रेट, अब तो कमा लो पापा कमा लो, नोलिया अच्छा ही भाषण लागी, बोले हाँ नोली पापा एक बात बताऊं, बोला क्या, देखे माड़ी सी बचरी है दो एक महीना की, मन नहीं आग मिलानी अपनी उल्टी ले जा, नंबर तीन पर बेटी पिताजी को क्या कहती है, फिर चार महीने में आगे बात का पूर, चार महीने में आगे बात का पूर, बेटी रोड लगी करनी में बहुत घनी पछताई, जा मेरे बापू तेरी दवाई ले जाओ ले जाओ, ले जा मेरे बापू तेरी दवाई ले जाओ ले जाओ, मिट गई मारी लड़ाई होगी मन की चाई, तेरी दवाई ले जाओ ले जाओ।
मुझे क्या जरूरत है ये भजन गण। खरे मूर्ख तनु कह देंगे देवी का जगरातम के गण लाग रहा है ओ महामूर्खो। इन्हीं बोलों की जरूरत है, अपनी सोच को विस्तृत करो, लंबा करो, छोटी सोच ना रखो। केवल और केवल माता रानी के भजन गाना जगराता नहीं है, इन समस्याओं पर विचार करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। सासू भी तो माए हो जाए और एकली या माँ थोड़ी से, ये माँ है जो अपनी छाती का दूध पिला के हमें जवान करती है वो भी माँ है, और जो आपके पति को जन्म देती है वो भी आपकी माँ से धर्म की। जे आपकी सासू नहीं होती तो आपको पति कहाँ से मिलता। उसने जन्म दिया, किसी का लाल पैदा हुआ था तो हमने ब्याह खातर आया, और उसने आपके साथ शादी करी तो हमारे वर्ग के बेटे पैदा हुए थे। अगर आप शादी नहीं करती तो हम जैसे बच्चे कहाँ से पैदा होते। आप सृष्टि को रचाने वाली हैं, आपको नमन करता हूँ मेरी माताओं मेरी बहनों, क्योंकि अगर आपकी इज्जत नहीं करांगे, खाली देवी माता की इज्जत करांगे तो दोगली बात हो जाएगी। इस माँ की इज्जत करने का जब भी फायदा है जब आपकी इज्जत हम लोग करेंगे, क्योंकि मैं भी तो किसी माँ का बेटा हूँ बहन जी, मैं भी तो किसी का भाई हूँ, मैं भी तो किसी का पति हूँ, मैं भी तो किसी का बाप हूँ। सारे रिश्ते भगवान ने दिखा दिए, आज तो हर रिश्ते की अपनी अहमियत है और हर रिश्ता इसके साथ जुड़ा हुआ है, कदे किसी का बहन हो, क्योंकि ममता हर एक रिश्ते में होती है और ये ममता की खान है। ये ममता तभी लुटाएगी जब हमारे भीतर में ममता होगी। जे हम अपने माँ बाप की नहीं हुए, अपने सासू ससुर की नहीं हुए, मैया को कर राजी हो जाएगी, मैया को ना हो राजी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितनी मेरी माताएं बहनें चाची ताई यारा जो भी बैठी है, जिंदगी में अपनी बहू को कभी बहू मत समझो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी गलती के करो होता हम अपनी बेटी ने तो बेटी मानो हो और बहू ने अपनी बहू मानो, ये गलत बात है। और बहनों से प्रार्थना करूंगा बेबे तारी गलती आज है तो हम अपनी माँ ने तो माँ समझो हो और अपनी सासू ने सासू समझो हो, बड़ी गड़बड़ है इस बात में। जब एक बेटी की डोली घर से निकलती है तो दूसरी बेटी की डोली हमारे घर में आती है। एक बार फिर बता देता हूँ, जब हमारी बाण जवान हो जाए हम उसने किसी घर की बहू बना दिया, और किसी की बाण जब जवान हो जाती है तो हमारे घर की बहू बने, तो फर्क कड़ रह गया बताओ, कोई फर्क नहीं है। सोच मड़ंगा ही सड़ंगा ने साफ कर लियो, समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ तमाम माताओं बहनों से जो भी इस वीडियो को देख रही है, आप इसे एक सबक लेना, शिक्षा लेना, सीख लेना। जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, सास धर्म की माँ हो।